स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अकाउंट्स में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो है, उस केस में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मीन्स जो पार्टनर्स फर्म को, बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो वाले पार्टनर। ठीक है, इन द गेनिंग रेशो उनको डेबिट किया जाएगा टू रिटायरिंग डिकेज्ड पार्टनर कैपिटल विद हीज शेयर ऑफ गुडविल। जो उसकी गुडविल का शेयर है वो इनकी जो है गेनिंग रेशो में डेबिट किया जाएगा। इट मींस जो एडजस्ट करेंगे, डेबिट जिनको किया जाएगा, वो कंटिन्यू जो हमारे पार्टनर्स रहेंगे वो किसको देंगे, जो रिटायर हुआ है पार्टनर। ठीक है, जैसे ए बी सी थ्री पार्टनर्स हैं, सपोज बी रिटायर हुआ है, तो यहाँ हम डेबिट किसको करेंगे, ए और सी को। ठीक है, तो बी जो है, बीज की कैपिटल जो गुडविल है वो उसको क्रेडिट करेंगे, उसके खाते में जमा करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर। ठीक है, इट मींस वो पहले कितना ले रहे थे, 1/3, आर रिटायर्ड एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 360। अब 1/3, अब इक्वल बोला था ना इसने, रेशियो तो नहीं दी लेकिन इक्वल पार्टनर बोला है, तो इट मींस 1/3 होगी हमारी। तो 360 का 1/3, आर का जो पार्ट है 360 का 1/3, वो कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये जो हमें लाइन दी है, सेंटेंस दिया है, ये हमने जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर वाली एंट्रीज की थी ना, कि अगर फर्म में पहले से कोई गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, उसने कहा कि नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स, तो हमने सिर्फ इसी की एडजस्टमेंट करनी है जो हमें बोला गया है। पी एंड क्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर, ये फ्यूचर में कितना रेशो लेंगे, 3:2। अब हमें चाहिए क्या, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, 2/5 - 1/3। ये इनकी आगे गेनिंग रेशो। अब 120 तो हमने पहले ही बता दिया था कि इसकी गुडविल की अमाउंट 120 आएगी, लेकिन उसको हम डिवाइड किस रेशो में करेंगे, गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो हमारी कितनी है, 4:1। इट मीन्स 1,20,000 को हमने किस में बांटा है, 4:1 में। 1,20,000 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, ऐसे करके आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों पार्टनर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसमें क्या है, भारती कीर्ति एंड प्रीति आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशो 2:3:4। प्रीति रिटायर्स एंड फॉर द पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब इस केस में क्या है, हमने गुडविल निकालनी है, हमें दे नहीं रखी, तो उसके लिए हमें एवरेज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से हमने निकालनी है लास्ट 3 ईयर विच आर एज अंडर, 1st year, 2nd year, 3rd year। इसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो दे रखे हैं 45,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज या फिर एक्चुअल जो भी है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। उसको हमने मल्टीप्लाई कितने किससे करना है, 1.5 से। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000, 55,000, 75,000। ये 3 ईयर्स की हमें दी गई है। ठीक है, डिवाइड बाय 360 आ गया, तो इट मीन्स एवरेज कितनी है हमारी, 60। एक्चुअल में जो नॉर्मल प्रॉफिट हैं उसके, उसी सिमिलर फर्म्स के, सिमिलर फर्म्स होता है कि ऐसी ही फर्म्स जो काम कर रही हैं वो कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, तो वो नॉर्मल होता है, सामान्य प्रॉफिट। ठीक है, तो वो होगा हमारा 45,000। तो हम ज़्यादा कितना कमा रहे हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट 15,000। तो गुडविल हमने 1.5 से मल्टीप्लाई करके इसकी गुडविल निकल आएगी। अब बात यह है कि प्रीति रिटायर हो रही है इस केस में हमारी। ठीक है, तो प्रीति का शेयर कितना है हमारा, 4/9। तो टोटल जो गुडविल निकली है उसका 4/9, 10,000। अब 10,000 गुडविल प्रीति के शेयर की उसको उसके हिस्से में क्रेडिट करनी है, लेकिन डेबिट किसके खाते में करेंगे, है ना, तो वो हम इनके गेनिंग रेशो में करेंगे। अब बाद वाला कुछ दे रखे हैं हमें,
कि कैसे डिवाइड करेंगे या कैसे नहीं करेंगे, कुछ नहीं दे रखा है ना, तो हम ये मानेंगे कि इनकी जो है वो रेशियो सेम रहेगी, तो हमारी गेनिंग रेशियो भी हम सेम मान के चलेंगे, मीन्स 2:3। तो ये 2:3 में ही लेगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया ना, तो ये कट हो जाएगी बस, ये लास्ट वाली रेशियो, ये एज इट इज़ रहेंगी, ये एज इट इज़ रहेंगी, तो गेन क्या होता है वही, ठीक है। जितना भी होगा, जितना भी हमारा इसका प्रॉफिट था, 4/9 था ना, 4/9 का हमें इसी रेशियो में पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो उनकी रेशियो जो है वो सेम रहेगी, तो यही गेनिंग रेशियो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब ऑलरेडी हमारी गुडविल अकाउंट्स में शो हो रही है, बुक्स में, बैलेंस शीट में शो हो रही है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो उस केस में हम पहले जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स, चाहे जो रिटायर हो रहा है वो भी, ठीक है, तो सभी पार्टनर्स को उनकी जो ओल्ड गुडविल है शो हो रही है उतनी हम डिवाइड कर देंगे। तो हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे इसमें, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशो में ही, ओल्ड रेशो मीन्स जैसे अभी इसी से हमने किया, हमने 2, 3, 4, तो इसी रेशो में हम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दिखा रहे थे, अपीयर्स थी, उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उसको हमने बांट दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी तरह से, हमारा ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 24,000, बी रिटायर ऑन द डे ऑफ बी रिटायरमेंट, गुडविल हमें दे रखी है 60,000, ठीक है, और पहले जो गुडविल शो हो रही है बुक्स में वो 24,000। ए एंड सी ने डिसाइड किया है कि उनका जो बाद वाला रेशो वो ये रहेगा, 3:2 रहेगा। अब इसमें सेम नहीं है क्योंकि 3:1 था, इट मीन्स तो यहाँ 3:1 आना चाहिए था जब बी रिटायर होगा, तो यहाँ हमारा रेशो चेंज हो रहा है, तो हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले जो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है वो है गुडविल 24,000, उसको हम 3:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू गुडविल 24,000 बोला था, 24,000 को हमने इसी रेशो में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो आता है हमारा, टोटल जो फर्म की गुडविल थी रिटायरमेंट के समय पर तब कितनी थी, 60,000। अब 60,000 में बी का पार्ट कितना है, 2/6, 60,000 का बी का पार्ट कितना आ गया, 20,000, ठीक है। अब बात आती है कि 20,000 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, किस रेशो में जो है ओल्ड पार्टनर्स देंगे, गेनिंग रेशो में। अब गेनिंग रेशो में यह निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो सेम नहीं है, मैंने क्वेश्चन में बताया था अभी आपको कि 3:1 हो गई है, पहले कितनी थी, सॉरी 3:2 हो गई है, पहले 3:1 थी, तो 3:1 थी, तो ये हमने क्या किया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 3/7 आ गई, 3:7 आ गई, तो 3:7 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड करना तो आता होगा ना, 20,000 मल्टीप्लाई 3/10, 10 क्यों, इनका टोटल, जब बी का निकालेंगे तो 7/10, क्लियर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सम, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2, 3, 5, गुडविल इन अपियरिंग द बुक्स 60,000, हमें ऑलरेडी अपियर दिखा रहा है, तो 60,000 को हमने इस रेशो में बांट देना है, जहाँ ये अपियरिंग वर्ड आ गया ना, अपियरिंग इन द बुक्स, तो वहाँ पहले आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो 60,000 को हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा एक्स रिटायर एंड द ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल की वैल्यू बता रखी है हमें 45,000। अब एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स की यहाँ रेशियो कितनी है, 2/10, तो यहाँ 45,000 का 2/10 निकालेंगे हम, 9,000। अब 9,000 देगा कौन, जो गेन वाला पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर है, तो हमने इनकी बाद वाली रेशियो इनकी बता रखी है, कुछ बाद वाली इनकी कुछ नहीं बता रखी, नहीं बता रखी है, सॉरी, प्रॉफिट इक्वली, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, अब इक्वली लेगा तब हमने यहाँ 1/2 लिया, 1/2 माइनस 3/10, जब हमने ये चीज़ निकाली तो सिर्फ एक ही पर्सन गेन कर रहा है, कौन, वाई, तो इट मीन्स सारा का सारा जो गुडविल है वो कहाँ से एडजस्ट होगा हमारा, सिर्फ वाई की कैपिटल से, ठीक है। तो एक्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू वाई इज कैपिटल अकाउंट एज
ही अलोन हैज़ गेंड ऑन एक्स रिटायरमेंट, तो वो 9,000 यहाँ से लिए जाएंगे। ठीक है, आगे भी आपको इसी तरह के सिमिलर सम दिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गुडविल वाला हमने बहुत बार टॉपिक कर लिया है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो आप निश्चिंत होकर मेरे से पूछ सकते हैं। आपको यूँ नहीं लगना चाहिए कि बार बार एक चीज़ पूछ रहे हैं, जब तक आप पूछोगे नहीं आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जहाँ समझ नहीं आती आप मुझे दोबारा बता दें कि मैडम ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, क्योंकि जो मैंने आपका टेस्ट लिया है उसमें अब तक आपने रिवैल्यूएशन वाले सम जो है मुझे सेंड नहीं किए हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो रिवैल्यूएशन ही है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। तो जब तक आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं समझेंगे तो आपके ये तीनों चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम हर बार स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। तो आज आपने ये गुडविल वाले सम की प्रैक्टिस करनी है, इससे पहले मैंने गेनिंग रेशो वाले जो आपको सम दिए थे तो वो भी आपने NPS और गेनिंग रेशो वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।